गुरुग्राम में आए दिन एटीएम बूथों पर होने वाली फ्रॉडबाजी की घटनाओं के बावजूद भी एटीएम बूथों पर ना तो सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं और ना ही सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा गार्ड तैनात है। ऐसे में अपराधी वारदात को अंजाम देने में सक्रिय हैं। साइबर सिटी में बढ़ रही एटीएम बूथों पर फ्रॉडबाजी के मद्देनजर देर रात एक बुजुर्ग व्यक्ति को इन अपराधियों का शिकार होना पड़ा। वारदात के बाद पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गार्ड तो होना ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना? ना ही यहाँ पर कोई गार्ड है, ना ही कोई दूसरा सिक्योरिटी प्रोविजन है। बैंक को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ये बहुत न्याय जरूरी है। सजेशन यही देंगे कि यहाँ पर गार्ड होना चाहिए और अनवांटेड जो एलिमेंट घूम रहे हैं उनको, उनके ऊपर नजर तो रखनी चाहिए। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है यहाँ पर। देखिए, 15 जनवरी को सिटी थाने में एक शिकायतकर्ता है मिस्टर योगेश, उन्होंने शिकायत दी जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने ससुर दिनेश ठाकुर जी के साथ अपने निजी काम सिटी एरिया के अंदर जो सदर मार्केट है उसके अंदर आए हुए थे। तो पैसे की कमी के चलते जब उनके ससुर अपने एटीएम से नेशनल बैंक का जो एटीएम वहाँ सदर मार्केट में लगा हुआ उसमें पैसे निकालने के लिए गए, तो वहाँ से उन्होंने 10,000 रुपये विड्रॉ करके जैसे एटीएम बूथ से बाहर निकले तो एक युवक ने जानबूझकर उनको कंधा मारा जिसके कारण से उनका एटीएम नीचे गिर गया था। और इसी दौरान उस लड़के ने उनका एटीएम चेंज कर लिया, जो कि जो कंप्लेनेंट है उनके ससुर को इस बात का पता नहीं लगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जब वो वापस अपने लखनऊ जाने लगे तो रास्ते में उनके पास पैसे निकलने के मैसेज आने लगे और करीब 65,000 रुपये की ट्रांजेक्शन्स उनके एटीएम से कर ली गई थी। जिस संबंध में दिनेश ठाकुर जो कंप्लेनेंट है उनके ससुर ने कंप्लेनेंट को फ़ोन करके बताया कि उनके एटीएम से इस प्रकार से करीब 65,000 रुपये की ट्रांजेक्शन हो चुकी है, जिस पर शिकायतकर्ता ने सिटी थाने में आकर इस मामले की शिकायत दी, जिस पर सिटी थाना में अंडर सेक्शन 420, 379 और 34 IPC के तहत अननोन दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हम साइबर क्राइम सेल की भी मदद ली जाकर जल्दी से इस केस को सॉर्ट आउट किया। रिसेंटली सभी DCP क्राइम साहब की तरफ से सभी बैंक मैनेजर्स को और जो सिक्योरिटी हेड थे उनको बुलाकर इस बारे में मीटिंग ली गई थी, जिसमें उनके सजेशंस भी लिए गए थे और आपसी विचार विमर्श भी किया गया था इस तरह के क्राइम के बारे में, और उनको स्ट्रिक्टली डायरेक्शंस भी दी गई थी कि इस प्रकार के जितने भी ATM बूथ्स हैं जिन पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है या CCTV कैमराज नहीं हैं उनको पूरी तरह से CCTV कैमराज से और सिक्योरिटी गार्ड से उनको कवर किया जाए। और भी काफ़ी इस प्रकार के जो साइबर क्राइम को लेकर और जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं इस बारे में मामले में भी डिस्कस किया गया था, और जो जिस प्रकार के जो भी ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं इस बारे में भी उस संबंध में विचार विमर्श जरूर किया।